सभी को नमस्कार। बात शुरू करने से पहले पूज्य बाबा जी के चरणों में मेरा नमन, जिनकी वजह से आज इतनी बात करने के लायक बने। बात करने का हमारा कोई मौका तो ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन आज बोलने का मौका मिल रहा है क्योंकि हमारे राकेश भैया और अजय भैया ने कहा कि आपको एक प्रस्तुति देनी है। मैंने सोचा और फिर हमारे जो डायरेक्टर है ऋचा, उसके डायरेक्शन पर हम बैठे हुए हैं और के सामने प्रस्तुत हैं। बात शुरू करने से पहले एक वीडियो छोटा सा आप लोग देख लें तो हमारी बैकग्राउंड के बारे में कुछ प्रश्न जो हमारे मन में उठ रहे थे वो सब क्लियर हो जाए। मेरी बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस की रही, खेती या गौपालन से हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, बल्कि असलियत से ही हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। जितना भी था तो एक ही चीज़ जानते थे, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो धीरे धीरे हमने एक ज़मीन ली थी इन्वेस्टमेंट के लिए, लेने के बाद में जीवन विद्या का एक शिविर किया हमने और उससे हमको सच्चाई समझ में आने लगी कि हमको ये समझ में आने लगा कि भाई रुपया तो हम खाते नहीं, रुपया हम पहनते भी नहीं, पीते भी नहीं। तो पता लगा कि रुपया जो है ये तो मनुष्य की मान्यता है, लेकिन अगर उससे वस्तु नहीं मिली तो फिर रुपया रखा रहेगा, उसका कुछ भी होगा नहीं। ये करके हमने सोचना शुरू किया तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि भाई एक दाना अरहर का डालते हैं, 4-8 महीने में 5,000 दाना हो जाता है, यानी इतना बड़ा एक्सपेंशन और उसके अंदर घाटा है, ऐसा तो संभव नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो फिर हर चीज़ को हमने देखना शुरू किया, उसको बारीकी से देखा तो पता लगा कि खेती के 6 अंग और 6ों के लिए हम बाहर से निर्भर हो गए। उसके बाद फिर हमारे दिमाग में आया कि बैलों की जुताई की जाए और इस प्रकार से उसमें कोई लागत नहीं आती, बैल को जो खिलाते हैं वही खाद हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बैलों से चलने वाला एक पंप हमने बनाया, जब जुताई के बाद बैल खाली हो जाते हैं तो पंपिंग में लगा दिए जाते हैं, तो इसी बैलों से हम अपनी सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के बाद एक थ्रेशर बनाया बैल से चलने वाला, थ्रेशिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 0 इनपुट खेती हो जाती है, कोई खाद नहीं, कोई बीज नहीं, कोई जुताई, सिंचाई, मड़ाई और ढुलाई, सारे कामों के लिए हमारे पास बाहर से कुछ भी लाने के लिए नहीं। इसके अलावा एक कटाई यंत्र जो हमने बनाया है उससे एक आदमी 10 आदमी के बराबर कटाई कर सकता है, कोई लागत नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। हमें कुकिंग गैस चाहिए, तो जितने भी गोबर गैस थे अभी तक उनका हमने अध्ययन किया तो पाया कि उसमें लीकेज हो जाता है, तो हमने तो एक सिंपल गुब्बारा लिया है एक विशेष कपड़े का, इसके अंदर लीकेज का कोई चांस ही नहीं है, इससे जो निकलता है वो बहुत अच्छी खाद बन जाती है। अब तीसरी चीज़ आई जो है गांव के लिए बिजली, कि हमने एक गैसीफायर बनाया है, तो ये जो गैसीफायर है इसमें गांव में जो धान पैदा हुआ उसी की भूसी से या आसपास की कई भी चीज़ों से, जंगली पेड़ों से या बेसरम से कैसे भी चलाया जा सकता है, और गांव की बिजली जो है वो गांव में पैदा हुई और पूरा का पूरी बिजली गांव में ही सप्लाई हो गई, तो कोई ट्रांसमिशन लॉस भी नहीं हुआ। तो इस तरीके की टेक्निक पे आदमी को सोचना पड़ेगा, और अभी नहीं तो आगे सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो तेल है या कोयला है इसको हम बना नहीं सकते। तो मैंने पहले ही कहा कि आदमी के पास बनाने की ताकत नहीं है, जो है उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा संक्षिप्त परिचय है। जैसा कि बताया कि हमारी बैकग्राउंड खेती की नहीं थी, लेकिन जब सच्चाई समझ में आने लगी तो
उसके बाद और करते भी क्या। तो इस प्रकार से ये सारी बातें शुरू हुई। आदरणीय बाबा जी से हमारी मुलाकात भी एक अजीब संयोग था। हम सिद्ध मसूरी में गए हुए थे। मुझे ध्यान है अच्छी तरीके से कि बाबा भी आए हुए थे और गणेश जी और सोम भैया का एक शिविर था। तो बाबा जी के कमरे में एज यूजुअल 10-15 लोग बैठे हुए थे, सब ठसे हुए। हम भी पहुंच गए तो बातचीत हो रही थी सोलर एनर्जी के ऊपर। तो हमने ज़्यादा समझे बिना, क्योंकि अपने को समझदार तो मानते ही थे, हमने बाबा से पूछा कि बाबा ये तो अनइकोनॉमिकल है। उन्होंने हमसे पूछा कि भाई ये अनइकोनॉमिकल क्या होता है, जरा हमको समझा दो। बोले हम तो दो ही बातें जानते हैं, संसार में सारी वस्तुएं हैं, हमने बनाई नहीं है, और इसका सदुपयोग कर सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये अनइकोनॉमिकल क्या है, ये बात मुझे समझा। अब ये बात उस समय तो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जब आवर्तनशील अर्थशास्त्र का अध्ययन किया तो पूरी बात स्पष्ट होने लगी। और साथ में एक और बात भी स्पष्ट होने लगी, बाबा जी के कई वीडियो हमने देखे, जो आवरी आश्रम की रिकॉर्डिंग थी, और भी बहुत सारे उस बहुत सारी किताबें पढ़ी। यानी जिस समय हमने पहला शिविर किया, शिविर करने से पहले तो हम बड़ा टालमटोल करते रहे, लेकिन गणेश जी के आग्रह पे हमने पहला शिविर किया। और शिविर करने के बाद तो हमारा दिमाग एकदम उलट पलट हो गया, क्योंकि मेरे सामने अपनी कॉपी जचने लगी कि इतने साल हमने जो कुछ भी किया था उसमें क्या दम थी और क्या उससे हमें कितनी तृप्ति मिली, ऐसी कॉपी जचने लगी। तो धीरे धीरे ये बातें कुछ पकड़ में आना शुरू हुई। तो हमने गणेश से कहा कि भाई हमको एक बात समझ में आई है, ये जो बात है ये समझाने के लिए तो है, लेकिन उससे पहले समझने के लिए है, क्योंकि हम तृप्त होना चाहते हैं और जीने के द्वारा ही तृप्त होंगे। तो जीना अगर समझ के आधार पर होगा तो वैसा जिएंगे, और वरना तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो मेरा मन ये हुआ कि भाई इसको जी के देखना चाहिए। और दूसरी बात एक और पकड़ में आई, जब बाबा जी के बहुत सारे साहित्य का अध्ययन किया तो उन्होंने एक बात लिखी है, उन्होंने उसमें तो हम कहीं लगते ही नहीं, लेकिन इतनी बड़ी चीज फिर भी हमें मिली, तो इसका कारण, और इसका कारण जो है वो धरती का पेट फाड़कर जो कुछ भी हम निकाल रहे हैं उससे जो होने वाला उपद्रव है, तो वो तलवार ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी सभी के ऊपर समान रूप से घूम। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, और इसके दो ही कारण, एक तो ये कि हमें अपनी ज़रूरत का पता ना होना। ज़रूरतें दो प्रकार की हैं, एक भावनात्मक हैं और दूसरे वो भौतिक हैं। तो चूंकि हमें ज़रूरत पता नहीं है, इसलिए हम साधन से अपने को तृप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन साधन से भाव की तृप्ति नहीं होती है, ना ज्ञान की तृप्ति होती है। दूसरी ओर अगर हम ये मान लें कि भाव तो जीवन की आवश्यकता है, शरीर को साधन चाहिए, तो जो साधन है उसको उपार्जन करने के लिए जिस टेक्निक को हमने अपनाया है वो धरती को घायल कर। तो ये बात मेरे मन में बैठ गई कि भाई विकल्प तो ढूंढना, और आगे चलकर बाबा जी ने भी कहना शुरू किया कि विकल्प वैकल्पिक व्यवस्था हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस दिशा में हम लोगों ने कुछ काम किए, जो काम किए
उसको एक वीडियो के माध्यम से अभी ये लॉकडाउन के समय में ये अनंत और ऋचा ने दो वीडियो शूट किए हैं, तो जो जो काम हमने किए हैं उसको इन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको जोड़ा है उन वीडियोज में, उसको आप लोग देखें। ये वीडियो ज़रा चलाइए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम विवेक चतुर्वेदी है और मैं कानपुर में रहकर प्राकृतिक खेती करता हूँ। इस समय हम सभी लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित होकर लॉकडाउन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा मौका शायद मेरी याद में पहली बार ही आया है, लेकिन ये मौका इसका बहुत बड़ा सदुपयोग भी हो सकता है अगर हम इन काफ़ी चीज़ों के ऊपर सोच विचार कर सकें, जिससे कि अपने आगे की ज़िंदगी कैसी हो उसको तय कर सकते हैं। तो इसी क्रम में बहुत सारा सोच विचार किया और ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का मन हुआ, जो अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेषित है। तो इसके मामले में अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे विशेषज्ञों की राय आ रही है कि कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है। तो इसके क्रम में सारे ही विशेषज्ञ लगभग पूरे विश्व के वो ये कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अगर सॉलिड होगी, स्ट्रांग होगी, तो कोई बीमारी हमको ग्रसित नहीं कर सकती। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारे शरीर की जो रक्षा प्रणाली है, यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं और हमारा श्वसन तंत्र है, दो तरीके से ही आहार लेते हैं, या तो मुंह से लेते हैं या नाक से सांस के द्वारा लेते हैं। तो ये दोनों ही बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, इम्यूनिटी खराब होने का मुख्य कारण रासायनिक खेती द्वारा की जाने वाली खेती है, क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे वाइट ब्लड सेल्स का काउंट घटता है, उनकी मृत्यु होती है और वो संख्या में कम होते जाते हैं, इससे हमारा शरीर असुरक्षित होता जाता है। दूसरा एक और मुख्य कारण है कि हवा में बढ़ने वाला प्रदूषण। ये प्रदूषण कैसे होता है? अभी हाल फिलहाल में सैकड़ों मित्रों से बात करने का अवसर मिला तो सभी ये कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में, यानी 20-25 दिन के अंदर ही, जब से फॉसिल फ्यूल जलना बंद हुआ है या कम हो गया है, तो वातावरण बड़ा शुद्ध दिखता है, आसमान साफ दिखता है, तारे दिखने लगे हैं और सांस लेने में मज़ा आने लगा है। तो यही इस बात का प्रमाण है जो हम कई वर्षों से लगातार कहते आ रहे हैं कि धरती में प्रदूषण बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो फॉसिल फ्यूल के जला के उनके द्वारा मशीनों को चलाना है। फॉसिल फ्यूल क्या है? धरती का पेट फाड़ के जो कुछ भी हम निकालते हैं, जैसे डीजल है, कोयला है, पेट्रोकेमिकल्स हैं जिससे आप प्लास्टिक बनाते हो, ये सारी चीज़ें रिसाइक्लेबल नहीं हैं। जबकि इसका थंब रूल ये है कि धरती की सतह पर जो कुछ भी है, जैसे ये पेड़ है, तो इससे गिरने वाले जितने भी पत्ता पत्ती हैं ये ऑटोमेटिक रिसाइक्लेबल हैं, इसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप रिसाइकल हो जाते हैं। लेकिन धरती का पेट फाड़कर हम जो कुछ भी निकालते हैं उसमें उसको रिसाइकल कर ही नहीं सकते हैं, वो निरंतर बढ़ता रहता है, यही प्रदूषण है। लेकिन आप कुछ ही दिनों में देखिए कि जब से इसका प्रयोग कम हुआ है तो एनवायरनमेंट एकदम साफ हो गया है। इसका मतलब यह है कि यदि हम अपराध को रोकते हैं तो धरती अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है। आप सभी इस बात को स्वयं में अनुभव कर सकते हैं, ज़्यादा किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो विवेक जी, आपने प्रदूषण के कारण तो गिना दिए,
इनके निवारण के भी कुछ प्रकाश डालिए, कैसे निवारण हो सकता है इसका? देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले क्षेत्र को चुना खेती का, क्योंकि खेती इसलिए चुना क्योंकि रोटी हमारी पहली आवश्यकता है। एसी नहीं हो तो काम चलेगा, कंप्यूटर नहीं हो तो काम चलेगा, लेकिन अगर रोटी ना हो तो काम नहीं चलेगा। इस कारण से खेती को हमने चुना और इसके लिए हमने तीन चीज़ों का उपयोग किया है। पहली मनुष्य ऊर्जा, दूसरी बैलों की ऊर्जा और तीसरा सोलर। तो अब देखिए, खेती के हर आयाम में एक एक करके हम फॉसिल फ्यूल को हटाते गए हैं। जैसे पहली चीज़ है जुताई, तो अभी जो तरीका है उसके अंदर आप देखिए तो बड़े बड़े ट्रैक्टरों के द्वारा, फॉसिल फ्यूल से चलने वाले ट्रैक्टरों के द्वारा जुताई की जाती है, जिससे वातावरण बुरी तरीके से प्रदूषित हो जाता है, साथ में लागत भी लगती रहती है। तो हमने बैलों से चलने वाला एक ट्रैक्टर बनाया है। इस ट्रैक्टर की खासियत यह है कि लगभग 50 मिनट में एक बीघा यानी आधा एकड़ की खेती हम जोत सकते हैं। इसमें मज़ेदार बात यही है कि उधर ट्रैक्टर में जिस जो हम खिलाते हैं वो जहर देता है और इधर बैलों को हम जो खिलाते हैं वो खाद देती है। इस प्रकार से हमारी डिपेंडेंस बाहर से आयात पर ख़त्म हो सकती है और ये जो अन्ना जानवरों की समस्या चल रही है, हर किसान जिससे पीड़ित है, इसका संपूर्ण हल निकल सकता है। तो इस प्रकार से बैलों का उपयोग करने से उसी के साथ में हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और यही हम कह रहे हैं कि ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं और पर्याप्त मात्रा में पशुधन है। पूरा खेती से हम फॉसिल फ्यूल को बाहर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ है बुआई। तो जब हम बीजों को बोते हैं तो अभी जो तरीका है कि हम बीजों को छिटक देते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बीज का दुरुपयोग होता है और उत्पादन कम हो जाता है। हम लोगों ने ऐसी विधि विकसित की है और एक मशीन का निर्माण किया है जिससे 3 से 4 किलो या अधिकतम 5 किलो प्रति बीघा बीज में, यानी आधा एकड़ बीज में मात्र 5 किलो बीज लगता है और उसके अंदर काफ़ी बड़ी यानी उत्पादन में कम से कम 25 से 50% की बढ़ोतरी हो जाती है बिना किसी रासायनिक खाद के। खाली गोबर, गौमूत्र तथा जीवामृत का उपयोग करना पड़ता है और पानी की मात्रा भी 25% ही रह जाती है। यानी हर डायमेंशन में ये बहुत ही बढ़िया विधि है और इसके लिए हाथ से चलने वाली एक मशीन हम लोगों ने बनाई है और आगे चल के इसका धीरे धीरे बहुत सारे किसान इसके वीडियो देख के हमसे मांगने लगे। इसके बाद जो सोचना पड़ता है वो है निराई। निराई खेती में किसान के लिए सबसे बड़ा खर्चा है, तो इसके लिए हमने दुनिया का शायद इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जितनी नॉलेज है उसके आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि पहला बैटरी से चलने वाला निराई यंत्र हम लोगों ने बना लिया है। ये लिथियम आयन बैटरी से बनाया गया है और सोलर के द्वारा चार्ज कर लिया जाता है। इसको जब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि निराई का काम एकदम आसान हो जाता है और इसी कारण से हम खेत में कोई वीडिसाइड नहीं डालते, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव। उसके बाद आता है सिंचाई। तो सिंचाई के लिए भी हमने बैलों से चलने वाले एक पंप का निर्माण किया है और इस दिशा में बहुत सारी प्रगति अभी और होनी बाकी भी है। इसी प्रकार से सोलर से चलने वाले पंप का भी निर्माण किया है जिससे हमारी कैपेसिटी आम सोलर पंप की तुलना में 40 से 50% बढ़ जाती है। इसको भी देखा जा सकता है, यानी एक लगभग इसको कहा जा सकता है कि बिना पढ़े लिखे आदमियों के द्वारा भी अगर ये किया जा सकता है तो जब बड़े पैमाने पर सरकारें अगर इस ढंग से सोचना शुरू करें तो हमारा देश टोटल स्वावलंबी हो सकता है। इसके बाद आता है कटाई। कटाई के लिए एक हम लोगों ने अद्भुत यंत्र का निर्माण किया है।
जिसके द्वारा एक आदमी की कैपेसिटी में 10 गुने का इजाफा हो जाता है और चारे की फसलों में तो 15 गुना। यानी हम इससे गेहूं काट सकते हैं, धान काट सकते हैं, बरसीम काट सकते हैं, मक्का काट सकते हैं, जई काट सकते हैं, कुछ भी जितनी चीज़ें हसिया से कटती हैं वो सब इसी से कट सकती हैं। हाथ से चलाया जाता है, चलाने में कोई लागत नहीं, कोई प्रदूषण नहीं इस प्रकार से, और जड़ से काटता है। इस कारण से पराली की समस्या का भी ये स्थायी समाधान है। प्लस एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आज की सरकारों को सोचनी चाहिए कि कंबाइन हार्वेस्टर जैसी चीज़ें देश से लेबर, जो गांव की लेबर है उसकी रोजी छीन लेती हैं। 1000 आदमियों की रोजी एक कंबाइन हार्वेस्टर ख़त्म कर देता है। इससे रोजी में बढ़ोतरी होगी, उनकी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होगी और बिना किसी प्रदूषण से कटाई हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने एक सोलर से चलने वाले थ्रेशर का भी निर्माण किया है। अभी इस दिशा में भी काफ़ी प्रयास और चल रहा है, काफ़ी कुछ सफलता मिल गई है। अभी कुछ काम और होने बाकी हैं जो आगे कभी शेयर करेंगे। इसके बाद इसी सोलर प्लेट और इसी मोटर से हमने एक प्रोसेसिंग की मशीन भी चालू कर दी, जिसके द्वारा धान से चावल मिल हम चलाने लगे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से, यानी कोई बिना बहुत विशेष प्रयास के, इन सारी चीज़ों यानी पूरी खेती से फॉसिल फ्यूल को अलग किया जा सकता है आसानी से। पेस्टिसाइड को अलग किया जा सकता है, रासायनिक खाद को अलग किया जा सकता है, जिससे किसानों की आमदनी कम से कम 3 गुनी बढ़ जाएगी और देश स्वावलंबी हो सकता है। तो खेती के अलावा और किन किन पैमानों पर आप काम कर रहे हैं? इसके अलावा अगले वीडियो में फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारी भोजन पकाने की गैस बनाई जा सकती है। जब हमारे पास जानवर होंगे तो गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। कैसे हमारे पास बिजली होगी, कैसा स्वावलंबी गांव होगा, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। एक समृद्ध और स्वावलंबी गांव किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उसकी ये पूरी कल्पना है। धन्यवाद। मैं विवेक चतुर्वेदी एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। उसका कारण यह है कि कल पृथ्वी दिवस था और दैनिक जागरण में एक खबर छपी कि लॉकडाउन के पीरियड में प्रदूषण की मात्रा बहुत कम हो गई और धरती निहाल हो गई। तो ये निहाल होने को हम सभी लोग देख रहे हैं और इसका अनुभव भी कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इस बात को रखा था कि ये धरती में जो प्रदूषण है वो प्रदूषण का मुख्य कारण फॉसिल फ्यूल को जलाना है। आज थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालने का मन बना कि ये फॉसिल फ्यूल है क्या आखिर। तो ये फॉसिल फ्यूल यानी तेल, कोयला, पेट्रोकेमिकल्स धरती के बनने के समय में जो वातावरण था धरती का, यानी जो वायुमंडल था, उसमें जो गैसेस थी वो मनुष्य के लिए जहरीली थी। तो उस समय में जो वनस्पति पैदा हुई वो उन गैसेस को अपने में खाती थी। जैसे आज के जो पेड़ हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को पचाते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको ऑक्सीजन दे देते हैं। इस प्रकार से रिसाइकिल होता रहता है। तो आज जो है आप देखिए कि जब फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो जो गैसेस निकलते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पचाने के लिए तो धरती पर पेड़ हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को पचाने वाले पेड़ अब धरती पर नहीं है। इसी प्रकार इससे जो पेट्रोकेमिकल निकलता है और उससे हम प्लास्टिक बनाते हैं, उसको डिकम्पोज करने वाला बैक्टीरिया भी धरती की सतह पर नहीं है।
ना तो हम पेड़ बना सकते हैं ना बैक्टीरिया बना सकते हैं, क्योंकि क्रिएशन की ताकत मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य खाली प्रोसेस कर सकता है, एक एटम भी बना नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो पेड़ जो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं, यही हमारा धरती का रक्षा कवच है। किस बात से रक्षा करता है? धरती पर सूर्य का जो ताप आता है उसको ये पचा लेता है और फिर धीरे धीरे रिलीज करता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप अपने छत पे एक काले रंग से पेंट कर दीजिए और एक जगह सफेद रंग से पेंट करिए, तो आपको पता लगेगा जहाँ पे काला पेंट किया था उसने ताप को पचा लिया और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज किया। जहाँ पे सफेद पेंट करेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि तुरंत रिफ्लेक्शन होने लगा, सूर्य के ताप का तुरंत रिफ्लेक्शन हो जाता है। यही ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि इस काली चीज को जो हमने बनाई नहीं थी, ये धरती में है, इसको हमने फॉसिल फ्यूल समझ के और धरती से निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण धरती में ताप का रिफ्लेक्शन होने लगा, इससे वातावरण गर्म होने लगा। यही ग्लोबल वार्मिंग है। दूसरी बात, जब हमने इसको जलाना शुरू किया तो इससे वो गैसेस डिस्चार्ज हो रही हैं जिनको लेने वाले पेड़ अब नहीं हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, तो इसलिए ये रिसाइकिल हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से जैसे प्लास्टिक है, हमारी सरकारों ने भी इसको रोकने का प्रयास किया कि भाई प्लास्टिक पे बैन लगाया जाए। बैन लगाने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसका विकल्प देना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने एक विकल्प खड़ा करने का प्रयास किया खेती के क्षेत्र में, इसी प्रकार से सोचना पड़ेगा अगर आदमी जात को इस धरती पे सदा सर्वदा बना रहना है तो फॉसिल फ्यूल से निजात पानी होगी। वो निजात तभी होगी जब विकल्प होगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक कार्स जो कि सोलर से चार्ज हो सकें, इस बारे में हम सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है, इस दिशा में और शोध होने चाहिए। देखिए, मैं एक छोटा आदमी हूँ, अपने सीमित साधनों से जो कुछ भी कर पाया वो आपके सामने पिछले वीडियो में रखा था। इसी प्रकार से और भी इस वीडियो को बनाने का जो मूल उद्देश्य है कि और लोग भी इससे प्रेरित हों और शायद सरकारों को भी इस दिशा में सोचने की प्रेरणा मिले कि अगर मनुष्य को धरती पर रहना है तो इसका विकल्प तलाशना होगा, खाली निंदा प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। एक समृद्ध और स्वावलंबी गांव किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उसकी ये पूरी कल्पना है। धन्यवाद। हाँ जी, तो ये वीडियोस आप लोगों ने देखे, मुझे लगता है कि ये प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेंगे और इस प्रकार से आने वाले समय में एक स्वावलंबी गांव बसाने की कल्पना है, जिसमें समाधान समृद्धि को प्रमाणित किया जाए और इस दिशा में तैयारी चल रही है, एक जमीन ले भी ली गई है। ये तो बात हो गई, इसके अलावा कुछ बातों पे और भी मेरी नज़र गई है और सभी साथियों से निवेदन है कि इसके ऊपर विचार करें और अगर हमारी बात कोई, जिसको कहते हैं ना कि तुलन विश्लेषण वाली मशीन को एक्टिवेट करके उसमें डाल दिया जाए, देखिए क्या निकलता है। ये एक मुद्दा और भी कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर कई हमारे मित्र, हमारे जानने वाले, वो ये कहते रहे कि आपका ध्यान स्थूल में ज़्यादा रहता। मेरा उनसे ये कहना रहता था कि हम जो कुछ भी समझते हैं उसका प्रमाण स्थूल में होता है, चाहे मनुष्य के साथ व्यवहार हो और चाहे प्रकृति के साथ कार्य हो, कोई काम करते हैं तो इसको देखा जाए और इसको अपने में बारीकी से जांचा जाए कि भाई हमारे साथ में रहने वाले लोग
कितना हमसे तृप्त होते हैं इसको मैं भी जांचता रहता हूँ। और इसके अलावा हम प्रकृति के साथ में जो कार्य कर रहे हैं उसे समृद्धि हो रही है या नहीं। अगर ये हो रहा है तो ये बात समझने लायक है कि स्थूल में ही प्रमाण मिलेगा, इस स्थूल को छोड़ा नहीं जा सकता। अध्यात्मवादियों से ये पहले गलती हो चुकी है कि स्थूल को मतलब जिसको कहते हैं कि उसको अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन करने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद एक चीज और बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे समझ में आती है कि शिक्षा का जो स्वरूप होगा तो शिक्षा का स्वरूप जो है वो जी करके होगा। शिक्षा जिसको कहते हैं तो एक तो है कि हम सूचना दे रहे हैं, पापा जी की बात को हमने पढ़ा है, पढ़ के तर्कपूर्वक कुछ समझा है और उसके आधार पर हम सूचना देते हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी है कि उसको हमने अनुभव किया। अनुभव करना बहुत आसान है ऐसा मुझे लगता है। कैसे? जो वास्तविकता है वो तो है ही, वो किसी के कहने से नहीं है, उसको देखने मात्र से वो समझ में आती है। जैसे चयन और आस्वादन की क्रिया हो रही है इसको हम देख सकते हैं, हर दिन हम करते ही। आज ये सब्जी बनाना, आज आलू के पराठे बनेंगे, ऐसा बनाना, चटनी ऐसी रहे, तो ये आस्वादन के आधार पर चयन करते ही रहते हैं। ये क्रिया को हम देख ही सकते हैं। मजे की बात यह है कि बिना आँख के दिखती है, अपने में ध्यान देने मात्र से ये दिखने लगती है। तो दिक्कत कहाँ? तुलन विश्लेषण की क्रिया चलती ही रहती है। इसके आधार को सही करने की आवश्यकता, तो उसके लिए सत्य को पहचानना होगा। सत्य को पहचानना भी बहुत आसान। आदरणीय बाबा जी कहा करते थे कि व्यापक वस्तु सबसे पहले समझ में आती, बच्चों को भी समझ में आती। तो मैंने जो समझा कि समझने की शुरुआत होती है व्यापक वस्तु और इसके प्रभाव को अपने में अनुभव करना, वहीं से समझने की शुरुआत होती है। व्यापक को समझे बिना हमें आश्वस्ति होती है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है हमें व्यवस्था को बदलना। लेकिन व्यापक को समझने के बाद फिर इसके अंदर जो समाया हुआ क्रम है, अनुक्रम है, इसको समझने के बाद में ये समझ में आने लगता है कि सब कुछ क्रमिक रूप से हो ही रहा है, हमको खाली व्यवस्था पूर्वक जीना है। अगर हम व्यवस्था पूर्वक जीते हैं उसको स्वीकारने के लिए लोग तैयारी बैठे, तो स्थूल में हमारी गति को देखकर आदमी के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। मान लीजिए हमारा धान अगर अच्छा पैदा होता है तो पड़ोसी आके पूछता ही है कि भैया आपने कैसे कर लिया, तो हम उससे शेयर करते ही। इसी प्रकार से शिक्षा संस्कार की परंपरा पड़ती है। तो मुझको जो समझ में आया कि भाई जी करके ही शिक्षा होगी, अगर फल हमारा सही आता है, फल को छोड़ा नहीं जा सकता, फल अगर सही आता है तो फल से आदमी आकर्षित होता ही है, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। जब जिज्ञासा पैदा होती है तो उसको पूरा किया जाए, यही हमारा काम। दूसरी बात यह है कि एक और बात जब समझने के क्रम में बाबा से चर्चा होती थी, बड़े स्टाइल में चर्चा होती थी, तो एक मोटी बुद्धि से जो बात हमारे समझ में आई वो ये थी कि शब्द से जानना नहीं। शब्द किसी वस्तु को इंगित करता है, तो उस वस्तु को जानने से ही जानना होता है, तभी उस वस्तु का प्रयोजन भी स्पष्ट होता है।
उदाहरण के तौर पे अभी कोरोना महामारी से सभी लोग ग्रसित हैं, ऐसा दुनिया भर में चल रहा है। जब ये सब शुरू हुआ तो एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि 3-4 दिन तक मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया। ध्यान देने का क्रम कुछ इस प्रकार से बना कि भाई ये वायरस होता क्या है, तो पता लगा कि आयुर्वेद में तो बहुत पहले से वर्णन है जीवाणु विषाणु कीटाणु ना, तो इन शब्दों से इंगित कुछ वास्तविकताएं उसको समझा जाए। तो वायरस क्या चीज है, वायरस को संस्कृत में विषाणु कहा, तो वायरस को जब हमने स्टडी किया तो ये समझ में आया कि वायरस में यह अधबना, इसको देसी भाषा में कहें कि यह अधबना सेल है, यानी या तो इसमें आरएनए बन गया है या डीएनए बन गया, दोनों, और इसके ऊपर फैट का एक चर्बी चढ़ी हुई है। तो इस बात से हमको ये समझ में आया, यानी वस्तु जब समझ में आई तो उसका निवारण भी समझ में आने लगा। तो हमारा ध्यान इस बात पे गया कि जब हम लोगों को जुकाम तेज हो जाता है, जुकाम भी एक वायरल इन्फेक्शन, तो जुकाम जब तेज होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पत्ते डाल के और उसकी स्टीम ले लेते हैं। स्टीम लेने से आप सभी लोग चेक कर सकते हैं कि नाक खुल जाती है कि नहीं, या गार्गल करने लगते हैं, हल्दी नमक के पानी से गरारे करने लगते हैं, इससे गला खुल जाता है। तो ये बात थी कि हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक का तापमान बढ़ा दें, इससे क्या होता है कि वायरस के ऊपर जो फैट की झिल्ली है वो पिघल जाती है और इस प्रकार से वो नष्ट हो जाती है। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है। तो अभी क्या है, लोग तोप चला रहे हैं ना, जबकि ये तो सुई से निकालने वाली चीज है, ऐसा मुझे लगता है। अगर इस दिशा में मेरे को कोई भ्रम है तो हमारे भाइयों में से सभी से ये निवेदन है कि इसको अच्छे से सोच लें और मुझे सही गाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरे समझने में ये बात आई कि ये कोई बहुत संक्रमण तो होता है, तो जुकाम भी फैलता ही है। वायरल बुखार जब आता है तो धीरे धीरे घर भर को हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। तो इसमें है कि कोई आवश्यकता नहीं। इस बात से एक चीज और समझ में आई कि अज्ञात से भय लगता है। ये जो बाबा जी का सूत्र है ये इस प्रकार से समझ में आता है कि जब हम किसी चीज के बारे में जान लेते हैं तो भय निकल जाता है, यानी ज्ञान से भय से मुक्ति होती है ना? और अज्ञात से डर लगता रहता है। इसलिए हमने इसको, जैसे ही ये घटना शुरू हुई, हमने इसको जांचने की प्रक्रिया शुरू की और जो जांचा है वो आप लोगों से शेयर करें। इसी प्रकार से आयुर्वेद में तो 50 इसके तरीके हैं, तमाम एंटी वायरल चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त बाबा जी एक दवा का प्रयोग करते थे, स्फटिक भस्म। तो ये जो स्फटिक है ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक रामबाण दवा है। जब ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम हो जाए तो स्टीम के साथ साथ में इस प्रकार की दवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है और बड़े आराम से, जैसे सूखी खांसी एक लक्षण बताते हैं, इससे सूखी से सूखी खांसी को हम ठीक कर सकते हैं। एक तो ये बात हुई, तो उससे ये सारे सूत्र भी समझ में आने लगे कि भाई अज्ञात का भय होता है, ज्ञान से भय से मुक्ति होती है। और इसी प्रकार से शब्द से वस्तु को समझा जाए, फिर वस्तु का प्रयोजन भी समझा जाए। प्रयोजन क्या है वायरस का, ये भी ध्यान दिया। भाई
प्रकृति शब्द का अर्थ है प्रयोजन सहित कृति। तो ये वायरस हमने बनाया नहीं, ये है, और है तो इसके होने का कोई प्रयोजन होगा, तो प्रयोजन को खोजना शुरू किया, व्यवस्था के अर्थ में इसको खोजना शुरू किया। एक बड़ी अद्भुत बात समझ में आई कि जीन का ट्रांसफर वायरस के माध्यम से ही होता है, वरना जीन्स का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, यानी ये इसका रोल है। तो इससे ये समझ में आया कि जो बाबा बात कहते थे कि हर चीज का रोल है, हम समझें या न समझें, और हर समस्या का निवारण हम उसको पहचानने की देर है बस। तो ये सारी बातों को आप लोगों के सामने रखा है, और मुद्दा जो अभी मैंने कहा कि दिए बिना समझाना नहीं हो, सूचना देना तो होगा, ऐसा मेरा मंतव्य है, और अगर इसमें मुझे कोई गलती हो रही है तो आप सभी लोग तो ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से और बहुत कुछ कहने के लिए है नहीं। अगर कोई मेरे से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसको पूछा जा सकता है। ऋचा हमारी सहयोगी बैठी है, देखो भाई कोई प्रश्न करता है तो उसका जवाब दिया जाए। ठीक है, तो राकेश भैया का हुक्म पूरा किया गया है, आशा है आप लोगों को ठीक लगेगा, और बाकी तो सब लोगों से हमारा नमस्कार। कोई भी मेरी बात अगर ठीक न लगी हो तो हम एकदम ओपन, किसी से भी समझने को तैयार, कोई भी हमें करेक्ट कर सकता है। मैंने अपनी जो जांच परख की है उसके आधार पर ये निष्कर्षों को रखा है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।